चलो सर आओ कने जैसा कि आप सबको पता है कि रूरल एरिया में ये कोरोना का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। नगरोटा के इर्द गिर्द भी कुछ केस पॉजिटिव आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को रूरल एरिया में ज़्यादा करना चाहिए। आज जैसे पेपर में पढ़ा, इन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 18-44 का ड्राइव शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ इन्होंने इसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया का जैसे नगरोटा PSC है जहाँ जो स्टार्ट करना चाहिए। अगर PSC में जगह नहीं है तो स्कूल को ले लें, स्कूल बंद है, पंचायत घरों में करें, तो रूरल एरिया में इनको ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आज एक अपील करूँगा अपने भाई जो रिटायर हुए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट से, कोई मेडिकल असिस्टेंट रिटायर हुए हैं, कोई कुछ हुए हैं, तो मैं उनको भी अपील करूँगा कि वो इस समय में, इस घड़ी में उनको आगे आके अपनी सेवाएं देनी चाहिए, चाहे वो इधर आ जाएं, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पूछें, या कहीं भी जाके अपनी, मैं अपनी संघर्ष शक्ति से एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी कहीं भी इस हमारी जो वॉलंटियर हैं इनकी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। तो लेकिन एक बार फिर मैं ये अपील करूँगा कि इस एरिया में जैसे हमारा ब्लॉक डंसाल है, नगरोटा है, इस एरिया में आपको रूरल एरिया में जल्दी से जल्दी ये स्टार्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कि नगरोटा संघर्ष समिति के द्वारा जो सैनिटाइजेशन अभियान जहाँ चलाया गया है, आज हम वार्ड नंबर 2 में यहाँ पर मोहल्ला पूरिया में सैनिटाइज हमने यहाँ पर सारा करवाया है और साथ में लोगों को अवेयर किया है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि इस कोरोना महामारी से जो बचा जा सके। क्योंकि अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि भी कुछ केस हमारे जो कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कम हुए हैं और 31 तक ये लॉकडाउन है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जैसे कि बाकी भी दुकानें को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, बाकी भी दुकानों को जैसे हलवाई हैं, बाकी हैं, और सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम जो कि मिलना चाहिए ताकि सबका भी रोजी रोटी का भी गुजारा साथ में चल सके। कोरोना महामारी तो एक तरफ, लेकिन इस वक्त सभी के लिए रोजी रोटी का संकट जो कि घर आता जा रहा है, इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।